ये गुंडे को बिठा के रखे हैं आप लोग डॉक्टर्स के नाम पर। तुम्हारा इलाज कर दे अभी, इलाज कर दे तुम्हारा। क्या इलाज कर दिया? आप डॉक्टर आप जानते हो, आप नौकरी खत्म करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, जरा आप यहाँ पर आइए। किसको बिठा के रखे हुए यहाँ पे? कहाँ कर रहे हैं तुम्हारा? कहाँ कर रहे? घर का तुम्हारा बुलाइए, इसका इलाज अभी यहीं पे कर देंगे हम लोग। हेलो, जरा आप यहाँ पर आइए। किसको बिठा के रखे हुए यहाँ पे? ये तो खुद बीमार है यहाँ पे बर्ड वार्ड में। अरे मारना शुरू करेंगे, होश निकाले आने के। तुम बीमार हो यहाँ भाई, हमारा यही इलाज है। बेगूसराय के मटिहानी से जदयू विधायक राजकुमार सिंह सदर अस्पताल में डॉक्टरों पर जमकर बरस गए। दरअसल विधायक राजकुमार सिंह बम ब्लास्ट में घायल बच्चों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां मरीज के परिजनों ने सही इलाज नहीं होने की शिकायत की, जिसके बाद ड्यूटी पर बैठे डॉक्टर के पास विधायक राजकुमार सिंह पहुंचे, जहां डॉक्टर और विधायक के बीच बहस हो गई। विधायक ने कहा कि आपकी ड्यूटी नहीं है तो फिर यहाँ आप क्या कर रहे हैं? लोग मर जाएंगे तब देखेंगे आप। डॉक्टर कहता है कि बच्चों के डॉक्टर को बुलाएं और मेरा ड्यूटी नहीं है, मैं बस यहाँ पे यूं ही बैठा हुआ हूँ। इसके बाद विधायक उखड़ गए और कहा कि तमीज़ से बात करो, आप टेंशन में हैं। और विधायक राजकुमार सिंह ने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर को खूब खड़ी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि एक बच्चा जो बम ब्लास्ट में घायल हुआ उसकी इलाज सही तरीके से नहीं हो रही है। परिजन शिकायत कर रहे हैं कि ना तो दवा मिलता है और ना ही डॉक्टर समय पर आकर देखते हैं, और इसी बात की शिकायत को लेकर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब बैठे थे, लेकिन डॉक्टर साहब का मानना था कि मेरा ड्यूटी नहीं है तो फिर मैं आपकी बातों को नहीं सुन सकता, मैं किसी को नहीं दे सकता। बस इसी बात को लेकर राजकुमार सिंह न सिर्फ भर के बल्कि उन्होंने खूब खड़ी खोटी सुनाई, बात रेतों तक की भी आ गई, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि राजकुमार सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट मर रहा है और आप यहाँ पे होने के बावजूद भी यह कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, बच्चे के डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। क्या डॉक्टर तब आएंगे जब बच्चा मर जाएगा? आप यहाँ पे बैठे हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं, जो भी ज़रूरत है उसे पूरा कर सकते हैं, बावजूद आप बहस लड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव लाख दावे करते हों कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है वो बेगूसराय के इस अस्पताल में देखने को मिला, जहां विधायक की बात को भी डॉक्टर नहीं सुन रहे। व्यवस्था आप जो देखते हैं उसके अनुरूप यहाँ पे काफी अच्छी सुधार किया गया है। थोड़ी बहुत कमियां फिर भी हैं और उन कमियों को भी हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं डॉक्टर के रूप में या अन्य संसाधन के रूप में, उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग कैसे हो, इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अन्य जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसके लिए सरकार तत्पर है और उसको लगातार उन रिसोर्सेज की पूर्ति होगी, लेकिन जो अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं डॉक्टर के रूप में वो बेहतरी से अपना काम करें, लोगों की सेवा करें, जो भी ड्यूटी का टाइम होता है ये ज्यादा जरूरी है।